नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शिंदे की छावनी कमलबाग स्थित उनके निवास पर पहुंचकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक अटल जी का नाम रहेगा। सबके हृदय सम्राट हैं अटल जी। ऐसे राजनेता हुए कि उनके सभी दलों के नेता उनको मानते थे, उनका सम्मान करते थे। अटल जी ग्वालियर में जन्मे, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के विकास के लिए बहुत काम किए थे। किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग का ख्याल रखा। हम अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज श्रद्धेय अटल जी के लिए सभी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। अटल जी एक ऐसा नाम है कि जब तक धरती और सूरज रहेगा तब तक अटल जी का नाम रहेगा। अटल जी कभी भी थे, अटल जी सबके हृदय सम्राट थे। अटल जी ऐसे लोकप्रिय जन नेता हुए कि इनको सभी दलों में स्वीकारता थी। सभी दल उनको सुनने के लिए और उनके काम के लिए भूरी भूरी सभी दल प्रशंसा भी करते थे। और सच्चाई की बात तो ये है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व हम सबको मिला। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो ग्वालियर में जन्मे और अटल जी का जो काम था आज देश के अंदर, चाहे हम प्रधानमंत्री सड़क की बात करें, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गांव रोड्स विहीन थे उनको बढ़िया डामरीकृत रोड देने का काम अटल जी ने किया। किसान अपनी खेती करने के लिए बिचौलियों के पास कई बार कर्ज लेते थे और कर्ज पड़ता नहीं था तो जमीन उसके बदले में देना पड़ती थी। श्रद्धेय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड चलाकर किसानों की जमीन बचाने का काम किया। अटल जी की कई ऐसी योजनाएं सरकार की वो आज भी संचालित हैं। हम सब लोग उनके काम से गौरवान्वित हैं और मैं पुनः अटल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, अटल जी तो सबके प्रिय थे। जब लोग हम युवावस्था में थे, एक बार मुझे ये ध्यान है, अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब मैंने एक सामाजिक विषय पे एक पत्र लिखा था। उनके सचिव थे सिन्हा, मुझे आज भी ध्यान है। तो अटल जी ने उस पत्र का जवाब इस प्रकार से दिया कि उस पत्र में अपनापन, जब मैंने उसको पढ़ा तो अपनापन झलका। तो इसलिए अटल जी के साथ सभी ने काम किया है और अटल जी के काम की सब लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि अटल जी ग्वालियर के रहने वाले हैं। आज जब मैं सांसद निर्वाचित हुआ तब मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर चैनलों पर जो परिचय का कार्यक्रम था सांसदों का, तो मैंने ये कहा कि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता ऐसी जगह से सांसद चुना गया है जहाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जिले का भी नेतृत्व किया है, देश का नेतृत्व किया है। ऐसे ही राजमाता सिंधिया जी भी है। तो चूंकि हमारा ग्वालियर का नाम अटल जी के नाम से विश्व पटल पर है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।